हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 16 सितंबर और आज हम लोग वर्ल्ड की 46वीं सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करेंगे आज की हमारी सेशन। और सबसे पहले देख लेते हैं हमारा डेली शेड्यूल। हर दिन चलने वाला ये शेड्यूल है हमारा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं हमारे। आप इसको अपनी सुविधा के अनुसार इसके स्क्रीनशॉट भी ले लें और जब ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं। और सबसे पहला शुरू करेंगे पहले 5 वर्ड मीनिंग में। सबसे पहला वर्ड मीनिंग है स्पाइनेज। स्पाइनेज का मतलब होता है, एक मिनट, स्पाइनेज का मतलब जासूसी। ठीक है, तो जासूसी यानी स्पाइंग सही होगा। पेनियरिंग मतलब अगुवाई करना। ठीक है, प्लानिंग का योजना। लाइनेज का वंशावली। अगले वर्ड की तरफ बढ़ चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग जो है हमारा वो हो जाएगा इनिग्मा। इनिग्मा मतलब पहेली। सेम मीनिंग में आ जाएंगे तो पजल हो जाएगा। डिफिकल्टी मतलब मुश्किल, डिफिकल्ट वर्ड से बना हुआ है। ट्रूथ मतलब सच। फियर का डर। अगली वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला वर्ड मीनिंग होगा हमारा कनकरेंस। ठीक है, कनकरेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति सहमति। कनकरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के प्रति सहमति। तो एग्रीमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। करेंसी करेंगे तो मुद्रा इसका मीनिंग आएगा। अकरेंस मतलब घटना और कंक्वेस्ट का मतलब फतह या जीत भी कह सकते हैं। हो गया, बढ़ते हैं आगे। साम्राज्य भी कंक्वेस्ट को आप कह सकते हो। ग्रोटेस्क्यू का मतलब विलक्षण। विलक्षण मतलब खराब, बुरा, बैड, इस सेंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब देखते हैं इसको अजीबो गरीब भी लिखते हैं। विलक्षण का मतलब अजीबो गरीब। सेम मीनिंग में आओगे तो बिजारे सही हो जाएगा। एब्सर्ड मतलब बेतुका। लफेबल हास्यप्रद। शेमफुल का मतलब शर्मनाक। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। अगला मीनिंग है हमारा इग्नोमिनी। इग्नोमिनी का मतलब होता है बेइज्जती, इंसल्ट। क्या होता है, बेइज्जती। तो डिसग्रेस का मतलब भी इंसल्ट ही है आपका। ट्रायल का मतलब किसी चीज़ का शुरुआत, किसी चीज़ को कैसे चलाना है, ये हो गया। एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब होता है किसी चीज़ के प्रति उदासीन होना। ठीक है, या फिर एक और चीज कह सकते हो एक्सपोजर का मतलब प्रदर्शन भी। स्टुपिडिटी का मतलब आपका मूर्खता। ठीक है, बढ़ चलते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा सैक्रेट। सैक्रेट का मतलब होता है पवित्र। ठीक है, अब देखो प्रोफेन का मतलब होता है अपवित्र। प्रोलिफिक का मतलब उपजाऊ। उसके बाद आप आ जाओ प्रोफाउंड का मतलब आपका होता है गहरा। फिर आपका आता है प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब अधिक। नेक्स्ट वर्ड की तरफ आ जाते हैं। फोमेंट का मतलब होता है भड़काना। उल्टा क्वेल हो जाएगा, इधर तो हमने ठीक नहीं किया। क्वेल का मतलब शांत करना। सीज का मतलब होता है रोकना। कंट्रोल का मतलब नियंत्रित करना। रिपल्स का घृणा करना। ये भी हो गया आपका।
नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा टार्डी। टार्डी का मतलब होता है सुस्त। टार्डी का मतलब होता है सुस्त। अब सुस्त जब होगा तो देख लो कौन कौन से वर्ड इसके यूज के हो जाएंगे। लेट का मतलब देर, प्रॉम्प्ट का मतलब तत्पर, क्विक का मतलब तुरंत, ग्रेजुअल का मतलब धीमा या सुस्त। तो देख लो क्विक पहले आएगा। चलिए गैरुलस का मतलब होता है बातूनी, बहुत बात करने वाला, तो उल्टा रेटिसेंट हो जाएगा, चुप्पी या मौन वाला व्यक्ति। ठीक है, उसके बाद अगली वर्ड मीनिंग आपकी आती है गाउंट। गाउंट का मतलब होता है कमजोर। गाउंट का मतलब कमजोर। सीरियस का गंभीर, और भरबोज मतलब वही बातूनी, लिखो बहुत बोलने वाला। नेक्स्ट है स्क्रपलस। स्क्रपलस का मतलब होता है उचित तौर पर या फिर चौकन्ना, सावधान। ठीक है, अब भाई केयरलेस हो जाएगा, केयरिंग केयरफुल तो सावधानी है, वाइज का बुद्धिमान हो रहा है, सिंपल है। बढ़ चलते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, का मतलब होता है दो मुश्किल परिस्थितियों के बीच फंस जाना, दो बुराइयों वाली चीजों के बीच फंस जाना, तो हो जाएगा बिटवीन टू इक्वल एविल्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड चलते हैं। नेक्स्ट कहता है अनएप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब झगड़े का जड़। जो सिंपल सा है, काउ जब डिस्प्यूट हो जाएगा। ए हार्ड नट टू क्रैक, ए हार्ड नट टू क्रैक का हिंदी मीनिंग होता है मुश्किल कार्य। डिफिकल्ट जॉब इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है एट अ बेक एंड कॉल। ठीक है, एट हर बेक एंड कॉल का मतलब होता है कि किसी की सेवा में तत्पर रहना। ठीक है, एंड बेक एंड कॉल का मतलब होता है सेवा में तत्पर, रेडी टू सर्व हो जाए। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है तितर बितर, जैसे तब इसको लिखेंगे क्या, जैसे तैसे। इन डिसऑर्डर इसका सही आंसर हो जाएगा। फर्दर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फायरिंग ऑफ ए नंबर ऑफ गन्स टुगेदर एज अ सल्यूट ऑफ अदरवाइज, तो भाई एक साथ बहुत सारे गन को चलाना, ये साल्व होता है, गन सैल्यूट नहीं होता है। गन सैल्यूट तो हम लोग वर्ड बना दिए हैं। रिसेप्शन का तो पता है, भोज होता है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है अभिवादन। सैल्यूटेशन का मतलब आपका अभिवादन। स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ लीगल पनिशमेंट एंड प्रिजन मैनेजमेंट, इसको हम लोग कहते हैं पेनोलॉजी। पेनोलॉजी मतलब कानूनी ज्ञान होना, कि भाई कोई चीज का कैसे निपटारा होगा, कानूनी ज्ञान इसको। क्रिमिनोलॉजी का मतलब हो गया अपराध शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी तो खगोल शास्त्र। न्यूरोलॉजी नस व मस्तिष्क विशेषज्ञ। नेक्स्ट बढ़ो।
अगली वर्ड मीनिंग की तरफ आते हैं, बीइंग अबाउट एन इजी एंड पेनलेस डेथ। तो भाई अपने से अगर मौत चाहते हो ऐसी बीमारी में जो लाइलाज है उसके बाद मरना ही है, तो लोग अपने से मौत जब ले लें तो इसको इथेंसिया कहते हैं। इथेंसिया का मतलब होता है इच्छा मृत्यु। स्वयं मृत्यु मतलब अपने तरीके से मृत्यु का कारण स्वयं बने तो सुसाइड है। यूक्सोरीसाइड या वाइफ की हत्या के लिए आता है। स्ट्रैंगुलेशन का मतलब होता है गला घोट कर मारना। नेक्स्ट कहता है वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, वैसा जिसे डिफीट नहीं किया जा सके। तो इनविंसिबल होता है ना अजय, जिसको हराना बहुत ही मुश्किल हो। ठीक है, अगली वर्ड मीनिंग की तरफ आते हैं। इसी में इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया। इनडेसिफर जिसकी व्याख्या ना की करी जा सके, पढ़ा ना जा सके, अपठनीय भी लिख सकते हो। इनविडियस, ये थोड़े टाइपिंग एरर है, ऐसे इनविडियस का कोई खास मीनिंग होता नहीं है। नेक्स्ट कहता है वन हु इज बिटवीन 80 and 89। ये देख लो 80 और 81 से 89 का बात है तो ऑक्टोजेनेरियन, 91 से 99 तो नोना जेनेरियन हो जाएगा। सेप्टू हो गया 71 से 79 और ये 61 से 69। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ चलते हैं। अगले वर्ड मीनिंग पर बात करेंगे, स्कॉलरशिप, इंटरप्रेन्योरशिप, पार्टनरशिप, और ये कौन सा सही है भाई? तो इंटरप्रेन्योरशिप होता है। इंटरप्रेन्योरशिप का मतलब उद्यमी, उद्यम से जुड़ा हुआ चीज हो जाएगा। अगले वर्ड को देख लो, इसमें कौन सा सही है आपका? ठीक है, तो इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो कंज्यूमरिज्म होता है। कंज्यूमरिज्म का मतलब होता है उपभोक्तावाद, उपभोक्ता से संबंधित, कंज्यूमरिज्म। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगली वर्ड मीनिंग इसमें चेक करना है कि अनाउंसमेंट, कमिटमेंट, एस्टैब्लिशमेंट या कौन सी चीज, कौन सा वर्ड जो है वो गलत है। तो गलत इसमें देखोगे तो कमेंसमेंट जो है, COMMENCEMENT, कमेंसमेंट का मतलब शुरुआत, ये है आपका सही है। इधर देख लो बेनिफिशियल कौन सा सही है, तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है, इसका मतलब लाभदायक। लास्ट वाली वर्ड मीनिंग को देख लो, एवरेसियस का मतलब लालची, ABARICIOUS, और ये भी बी नंबर ऑप्शन में सही है, मतलब हो रहा है लालच। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। मिलते हैं अगले क्लास में अगले वर्ड मीनिंग में कुछ नए लेकर। तब तक के लिए ऐसे ही देखते रहिए। जय हिंद, दैट्स ऑल, थैंक यू।